गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट द बीआरएस विद द हेल्प ऑफ डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक। जब डेबिट बैलेंस पासबुक का गिवन हो तो उस केस में हम किस तरीके से बीआरएस प्रिपेयर करेंगे, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। टुडे वी गोइंग टू स्टडी अबाउट द बीआरएस विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। यानी अगर हमें क्रेडिट बैलेंस दे रखा है पासबुक का, मींस पॉजिटिव बैलेंस दे रखा है पासबुक का, तो हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक मींस पॉजिटिव बैलेंस ऑफ आवर बैंक अकाउंट, यानी हमारा बैंक में पॉजिटिव बैलेंस है। देखिए फॉर्मेट वही है जो मैं आपको पहले बताए हैं। देयर इज अ इलस्ट्रेशन, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 11 ऑफ योर बुक। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक 6300। बैंक बैलेंस, बैलेंस मींस पॉजिटिव बैलेंस, मींस क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। और कितना है क्रेडिट बैलेंस? 6300 हमारा पॉजिटिव बैलेंस है। हमें कुछ डिफरेंसेस फाउंड हुए। फर्स्ट है चेक रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट ओमिटेड टू बी बैंक 2450। हमें एक चेक रिसीव हुआ, हमने उसे बैंक में डिपॉजिट भी कर दिया और उसका अमाउंट भी हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो गया, लेकिन हम उस चेक को अपनी कैश हमने कोई चेक रिसीव किया और अपनी बुक में यह एंट्री कर दी कि हमने वो चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिया है, लेकिन उसे एक्चुअली बैंक भेजना हम मिस कर गए। सपोज 10,000 हमारे बैंक में बैलेंस था, हमने 2,450 रुपीज का कोई चेक अपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया कि हमने डिपॉजिट कर दिया, यानी हमने ये अज्यूम कर लिया कि हमारे बैंक में तो हो गए 12,450 रुपीज, लेकिन बैंक में वो चेक हम भेजना ही भूल गए। यानी बैंक में अभी भी 10 का 10 है। और मैंने आपको बताया था जब पासबुक का बैलेंस गिवन होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, पासबुक के बैलेंस को कैश बुक के इक्वल लेके आते हैं। यानी अगर हमको ये कैश बुक के इक्वल लाना है तो अपने बैंक में पासबुक में 2450 रुपीज एड करना होगा। तो यह लिखेंगे हम चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट ओमिटेड टू बी बैंक, यानी बैंक भेजना हम उसे भूल गए और 2450 रुपीज एड वाले को। Now the next one is debit side of the bank column of cash book is undercast. Debit side cash book की जो है undercast है, means हमने कोई debit side क्या होती है cash book की income, यानी हमने कोई income अपनी कम show कराई है 100 rupees से। अगर देखिए हम income को कम show कराते हैं तो हमारा balance क्या हो जाता है, balance हमारा cash book का कम हो जाता है, लेकिन पासबुक में एग्जैक्ट बैलेंस है। तो पासबुक के बैलेंस को हमें अगर कैश बुक के इक्वल लाना है तो हमें अपनी पासबुक में भी बैलेंस को माइनस करना होगा। तो 100 रुपीज हम यहां माइनस करेंगे, यहां लिखेंगे डेबिट साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट, और कितनी अंडरकास्ट है 100 रुपीज, ये माइनस वाले कॉलम में डालेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड बाय द बैंक। बैंक ने हमारे अकाउंट में गलती से अमाउंट डिपॉजिट कर दिया 1250 रुपीज। बैंक ने डिपॉजिट किया तो बैंक में बैलेंस तो इंक्रीज हो गया, चाहे बाय मिस्टेक ही हुआ, बैंक में बैलेंस हो गया 11,250 रुपीज। हमने वो अमाउंट अपनी कैश बुक में ऐड नहीं किया, यानी कैश बुक में अभी भी हमारे 10 चल रहे हैं और पासबुक में 11,250 रुपीज हो चुके हैं। तो हमें अगर पासबुक का बैलेंस अपने कैश बुक के इक्वल लाना है तो हमें अपनी पासबुक में 1250 माइनस करने होंगे। यहां देखेंगे हम बैंक क्रेडिटेड रॉन्गली, यानी बैंक ने क्रेडिट कर लिया रॉन्गली और हमें माइनस करना है तो 1250 रुपीज माइनस वाले पर। नाउ द नेक्स्ट वन इज चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, यानी हमने कोई चेक बैंक में डिपॉजिट किया पर अपनी कैश बुक में हम उसकी एंट्री करना भूल गए। इसका मतलब है कि हमने चेक डिपॉजिट किया, बैंक में अमाउंट आ भी गया, लेकिन हमने अपनी कैश बुक में उसकी कोई भी एंट्री नहीं की।
सपोज हमने 2560 रुपीस का चेक बैंक पर डिपॉजिट किया, जैसे ही चेक बैंक पर डिपॉजिट करेंगे अकाउंट में जब वो क्लियर हो जाएगा तो बैंक का बैलेंस हो जाएगा 12560 रुपीस। लेकिन हम अपनी कैश बुक में उसकी एंट्री करना भूल गए, यानी कैश बुक में अभी भी 10,000 ही हमारा बैलेंस चल रहा है और हम बैंक में हो चुका है 12560। तो बैंक की पासबुक का बैलेंस कैश बुक के इक्वल लाने के लिए मैं क्या करना होगा, 2560 रुपीज अपनी पासबुक में से माइनस करनी होगी। यहां लिखेंगे चेक डिपोजिटेड इनटू बैंक बट ओमिटेड टू रिकॉर्ड इन कैश बुक, यानी कैश बुक में हम रिकॉर्ड करना भूल गए। और क्या करेंगे हम 2560 रुपीस को माइनस कर। नाउ द नेक्स्ट वन इज बिल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक 3400। हमने कोई बिल यानी बीआर बैंक से इन कैश कराया था, डिस्काउंट कराया था, वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर होगा तो बैंक तुरंत उसका अमाउंट हमारे अकाउंट से कट कर लेगी। तो बैंक जैसे ही बिल 3400 रुपीस के अमाउंट का कट करेगी अमाउंट, तो बैंक में बैलेंस क्या हो जाएगा 6600। लेकिन हमने कैश बुक में उसे डिडक्ट नहीं किया है, कैश बुक में अभी भी वो 10,000 है और हम कर चुके हैं 6600 बैंक में। तो बैंक का बैलेंस कैश बुक के इक्वल लाने के लिए मैं क्या करना होगा, अपनी पासबुक में 3400 रुपीस एड करने होंगे। लिखेंगे बिल डिस्काउंटेड बिकम डिसऑनर, यानी जो हमने बिल डिस्काउंट कराया था डिसऑनर हो गया और 3400 रुपीस प्लस वाले। नाउ द नेक्स्ट वन इज बैंक चार्ज वर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक 220। बैंक ने 220 रुपए बैंक चार्जेस के कट किए लेकिन हमने उसकी कोई भी एंट्री रिकॉर्ड नहीं की। देखिए जब बैंक 220 रुपीज बैंक चार्जेस के कट करेगी तो बैंक में बैलेंस कम हो जाएगा, बैंक में बैलेंस हो जाएगा 9780। हमें पता नहीं है हमने कैश बुक में 10,000 ही मेंटेन कर रखा है जबकि बैंक में हो चुका है 9780। तो बैंक का बैलेंस कैश बुक के इक्वल लाने के लिए हमें 220 अपनी पासबुक में एड करने होंगे। यहां लिखेंगे हम बैंक चार्जेस और 220 रुपीज एड वाले डिपॉजिट किए तो बैंक में बैलेंस कितना हो गया 10,325। हमें ये इंफॉर्मेशन नहीं है, हमने अपनी कैश बुक में 10,000 ही मेंटेन कर रखा है। तो बैंक का बैलेंस कैश बुक के इक्वल लाने के लिए मैं क्या करना होगा 325 अपनी पासबुक में से माइनस करना होगा। तो यहां लिखेंगे हम बैंक अलाउड इंटरेस्ट और 325 माइनस वाले को। देखिए ये हमने टोटल लगा दिया, अब हम क्या करेंगे टोटल लगाएंगे तो देखिए यहां पे हो रहा है 6300 2450 3400 220 तो ये हो रहा है 12,370। अब माइनस वाले कॉलम का लगाइए 100 1250 2560 और 325 ये हो रहा है 4235। यानी माइनस वाली साइड हमारी कम है, कितने अमाउंट से 8135 रुपीज से। ये लिखकर हम टोटल को इक्वल कर देंगे 12,370। अब देखिए हमने ऊपर क्या लिखा था क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, नीचे हम क्या लिखेंगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश, यानी ये हमारा हो जाएगा जब हमको पासबुक का क्रेडिट बैलेंस गिवन होता है। फ्रेंड्स इन प्रीवियस पार्ट ऑफ वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट द BRS with the help of debit balance of passbook. Now today we're going to study about the BRS with the help of credit balance of passbook. So there is a illustration of illustration number 11, balance as per passbook. Balance means positive balance. तो आप देख सकते हैं कि आपने जब BRS बनाया है वहाँ पे लिखा हुआ है credit balance as per passbook और plus वाले column में 6,000
300 rupees. Now some differences were there. Check received and recorded in the cash book but omitted to be bank 2450 rupees. आपने अपने बैंक में कोई चेक डिपॉजिट किया, ऐसी एंट्री अपनी कैश बुक में कर ली, लेकिन उस चेक को आप बैंक भेजना भूल गए. आपने जब अपने यहाँ एंट्री की होगी तो आपने अपनी कैश बुक को तो इंक्रीज कर लिया होगा 2450 से, पर क्योंकि चेक बैंक भेजा नहीं है तो यानी बैंक में वो अमाउंट नहीं भरा होगा, बैंक में सेम अमाउंट होगा. तो बैंक का अमाउंट अपनी कैश बुक के इक्वल लाने के लिए हमें भी अपने पासबुक में अमाउंट ऐड करना होगा. तो चेक रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट ओमिटेड टू बी बैंक के नाम से 2450 प्लस वाले कॉलम में. नाउ द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक वॉज अंडर कास्ट रुपीज 100. डेबिट साइड कैश बुक की हमारी क्या होती है, इनकम साइड होती है, और वो अंडर कास्ट. अंडर कास्ट मीन्स कम. हमने किसी इनकम को 100 रुपीज से अपनी कैश बुक में कम दिखाया. अगर हम कैश बुक को 100 रुपीज से कम दिखाएंगे इनकम में तो यानी हमारा बैलेंस कम आएगा, जबकि पासबुक में वो बैलेंस बराबर आ रहा होगा, कैश बुक में कम हो चुका है. तो पासबुक का बैलेंस कैश बुक के इक्वल लाने के लिए हमें भी कैश पासबुक में 100 रुपीज लेस करने होंगे. तो आप देख सकते हैं डेबिट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट रुपीज 100 रुपीज माइनस वाले कॉलम में लिखा हुआ है. नेक्स्ट डिफरेंस इज दे इज अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक 1250. गलती से अकाउंट में अमाउंट बैंक ने डिपॉजिट कर दिया 1250. गलती से किया तो बैंक में बैलेंस इंक्रीज हो गया, हमें इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो हमने अपनी कैश बुक में इंक्रीज नहीं किया जबकि बैंक में इंक्रीज हो चुका है. तो बैंक का बैलेंस अपनी कैश बुक के इक्वल लाने के लिए हमें पासबुक में भी ये बैलेंस माइनस करना होगा. लिखा हुआ है अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक और 1250 रुपीज माइनस वाले कॉलम में. क्लियर. अब नेक्स्ट है चेक डिपॉजिटेड इन टू बैंक बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक 2560. हमने कोई चेक बैंक में डिपॉजिट किया, उसका अमाउंट भी हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो गया, लेकिन हम उस चेक के डिपॉजिट करने की एंट्री कैश बुक में करना भूल गए. तो जब आपने चेक बैंक में डिपॉजिट किया, अमाउंट भी आ गया, तो बैंक का बैलेंस तो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, लेकिन हमने अपनी कैश बुक में एंट्री की नहीं, तो कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज नहीं हुआ, वो कम का कम है, पासबुक में भर चुका है. तो पासबुक का बैलेंस कैश बुक के इक्वल लाने के लिए हमें क्या करना होगा, अपनी पासबुक में 2560 माइनस करने होंगे. तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्ड इन द कैश बुक के नाम से 2560 माइनस वाले कॉलम में. अब नेक्स्ट है बिल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड वॉज नॉट रिकॉर्ड इन द कैश बुक 3400. हमने कोई बिल बैंक से डिस्काउंट कराया था, यानी अपने अकाउंट में पैसा लिया था, लेकिन वो बिल डिसऑनर हो गया. बिल डिसऑनर होगा तुरंत बैंक हमारे अकाउंट से उस बिल का अमाउंट कट कर लेगी. तो बैंक जब कट करेगी हमारे अकाउंट में से अमाउंट, तो बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा. हमें इन्फॉर्मेशन है नहीं, हमने अपनी कैश बुक में वो अमाउंट कम नहीं किया जबकि बैंक में कम हो चुका है. तो बैंक का बैलेंस कैश बुक के इक्वल लाने के लिए हमें 3400 अपनी पासबुक में ऐड करना होगा. तो डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड रिकॉर्ड इन द कैश बुक 3400 प्लस वाले कॉलम में. क्लियर. अब नेक्स्ट वन है कि बैंक चार्जेस वर नॉट रिकॉर्ड इन द कैश बुक 220. हम बैंक चार्जेस अपनी कैश बुक में लिखना भूल गए. तो मीन्स बैंक चार्जेस अब लिखेंगे तो बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. हमने अपनी कैश बुक में लिखा नहीं, यानी कैश बुक से कम हुआ नहीं, तो बैंक का बैलेंस कैश बुक के इक्वल लाने के लिए पासबुक में हमें बैंक चार्जेस ऐड करने होंगे. तो बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड नॉट इन द कैश बुक 220 प्लस वाले कॉलम में. क्लियर. और लास्ट वन है कि बैंक अलाउड इंटरेस्ट 325. बैंक ने हमें इंटरेस्ट दी, जब बैंक हमें इंटरेस्ट देगी तो बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. लेकिन हमने कैश बुक में एंट्री की नहीं, तो मीन्स कैश बुक का बैलेंस नहीं बढ़ा जबकि बैंक की पासबुक का भर चुका है. तो पासबुक का बैलेंस कैश बुक के इक्वल लाने के लिए हमें ये इंटरेस्ट माइनस करनी होगी. तो बैंक अलाउड इंटरेस्ट के नाम से 325 माइनस वाले कॉलम में. क्लियर. अब देखिए प्लस वाले कॉलम का आप टोटल लगाएंगे तो ये आ रहा है 12,370 और माइनस वाले कॉलम का टोटल लगा रहे हैं तो 4,235. यानी माइनस वाली साइड कम है कितनी, 8,135. ये लिखकर हम इसको यहाँ पर इक्वल कर ले रहे हैं 12,370. और ऊपर हमने लिखा था क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, नीचे लिखेंगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक. सो दिस इज द इलस्ट्रेशन ऑफ BRS विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ. वेलकम स्टूडेंट.
illustration of credit balance of cash book, that is illustration number 13. We have balance as per passbook 1020. Yani passbook mein humare pass 1020 ka balance tha. To isse hum likhenge credit balance as per passbook. और क्रेडिट बैलेंस है तो ये प्लस वाले कॉलम में आ जाएगा 1020. कुछ डिफरेंसेस हैं. ए चेक अमाउंटिंग 2300 पेड इनटू बैंक वाज रिटर्न डिसऑनर्ड बट नो इंटीमेशन वाज रिसीव फ्रॉम बैंक टिल जनवरी. यानी हमने 2300 रुपीज के चेक बैंक में डिपॉजिट किए थे. सपोज वी हैव 10,000 आवर बैंक बैलेंस एंड वी डिपॉजिटेड द चेक अमाउंटिंग रुपीज 2300. जैसे हम चेक डिपॉजिट करेंगे हम तो ये एज्यूम कर लेंगे कि बैंक में बैलेंस कितना हो गया 12,300. लेकिन वो चेक डिसऑनर हो गया यानी कैंसिल हो गया यानी उनका अमाउंट हमारे अकाउंट में नहीं आया. यानी बैंक में अभी भी 10,000 है और हमने अपनी कैश बुक में कर रखा है 12,300. पासबुक में जब पासबुक का बैलेंस होता है तो बैंक का बैलेंस कैश बुक के इक्वल लाना होता है. तो मीन्स ये बैलेंस अगर हम कैश बुक के इक्वल लाएंगे तो हमें क्या करना होगा अपनी पासबुक में 2,300 रुपीज ऐड करनी होगी. चेक पेड इनटू बैंक बट डिसऑनर्ड और यहां पर लिख देंगे हम 2,300 रुपीज ऐड वाले को. क्लियर. नाउ नेक्स्ट वन इज बैंक वॉज इंस्ट्रक्टेड टू इश्यू ए बैंक ड्राफ्ट ऑफ 4,500 इन फेवर ऑफ सप्लायर. हाउएवर नो एंट्री इज पास फॉर बैंक कमीशन ऑफ 80 इन द कैश बुक. यानी हमने बैंक को ये इंस्ट्रक्शन दिया कि हमारे अकाउंट में से 4,500 रुपीज कट कर लिए जाए और एक क्रेडिटर का पेमेंट कर दिया जाए. हमने क्या किया जैसे ही हमने तो यह इंस्ट्रक्शन दिया बैंक को हम तो मानेंगे बैंक ने पेमेंट कर दिया और बैंक में बैलेंस रह गया 5,500. लेकिन हुआ क्या बैंक हमारे बिहाफ पे जब कोई वर्क करता है तो कोई चार्जेस काटता है तो उसने जो 4,500 रुपीज का ड्राफ्ट बनवाया उस ड्राफ्ट मेकिंग चार्जेस के 80 रुपीज और काट लिए. यानी बैंक से कट हुए 4,580 रुपीज. यानी बैंक में बैलेंस कितना है 5,420 रुपीज और हमने अपनी पासबुक में कर रखा है 5,500 कैश बुक में सॉरी और बैंक में हो गया 5,420. तो कैश बुक के कुल लाने के लिए क्या करना होगा 80 रुपीज अपनी पासबुक में ऐड करनी होगी. बैंक चार्जेस जो लिख सकते हैं हम ऑफ मेकिंग ऑफ ड्राफ्ट यानी ड्राफ्ट बनाने के मेकिंग चार्जेस और 80 रुपीज ऐड वाले कॉलम में आ जाएगा. नाउ द नेक्स्ट वन इज चेक वॉज इश्यूड इन जनवरी फॉर रुपीज 15,500 और विद चेक अमाउंटिंग 2,800 वॉज प्रेजेंटेड इन फेब्रुवरी सेकेंड एंड चेक ऑफ 1,100 वॉज स्टिल नॉट प्रेजेंटेड. यानी हमने किसी पर्सन को कुछ चेक दिए थे पेमेंट के लिए और टोटल पेमेंट हमने किया था 15,500 का. सपोज हमारे अकाउंट में बैलेंस था 20,000. हमने किसी को 15,500 रुपीज के चेक पेमेंट में दिए तो हम तो ये अज्यूम करेंगे कि बैंक में बैलेंस रह गया 4,500 रुपीज. हम ये जो प्रिपेयर कर रहे हैं ये हम कर रहे हैं 31 जनवरी को. ये डेट आप वीडियो में देख सकते हैं जो मैंने पिक्चर लगाई है 31 जनवरी को हम प्रिपेयर कर रहे हैं. लेकिन इसमें एक चेक बैंक में पहुंचा है कितने अमाउंट का 2,800 का और ये पहुंचा है फरवरी में फरवरी सेकेंड को. हम प्रिपेयर कर रहे हैं 31 जनवरी को यानी 31 जनवरी तक ये वाला चेक बैंक में नहीं पहुंचा था यानी बैंक से पेमेंट नहीं हुआ था. एक और चेक 1,100 रुपीज का ये अभी तक नहीं पहुंचा यानी टोटल मिलाकर 3,900 रुपीज का पेमेंट बैंक से नहीं हुआ है. आउट ऑफ 15,500 अगर 3,900 का पेमेंट नहीं हुआ तो पेमेंट हुआ कितने का पेमेंट हुआ 11,600 का. यानी 20,000 में से बैंक में से कम हुए 11,600. यानी बैंक में अभी भी 8,400 रुपीज बैलेंस है और हमने कर रखा है 4,500. तो बैंक का बैलेंस अपनी कैश बुक के कुल लाने के लिए हमें क्या करना होगा अपनी बुक में पासबुक में 3,900 ऐड करने होंगे. ठीक है सॉरी ये हमें माइनस करना होगा क्योंकि बैंक की हमें कैश बुक के कुल लाना है तो माइनस करना होगा. तो यहां लिखेंगे चेक इश्यूड बट
not presented for payment, or 3900 minus variable. Clear? Now the next one is, bank has given wrong debit of 400. बैंक ने हमारे अकाउंट में से गलती से अमाउंट कट कर लिया, डेबिट कह रहा है, डेबिट माने कट करना, और कितना 400 रुपीस। सपोज इफ वी हैव 10,000 इन आवर बैलेंस एंड बैंक डेबिटेड रुपीस 400 मिस्टेक से कर उसने कट कर लिए, तो बैंक में बैलेंस कितना हो जाएगा 9,600। लेकिन हमें इंफॉर्मेशन है नहीं कि बैंक ने कट कर लिया है, हम तो ये अज्यूम करेंगे कि बैंक में रुपी 10,000 है, जबकि एक्चुअल बैंक में कितने 9,600। तो बैंक का बैलेंस अपनी कैश बुक के इक्वल लाने के लिए हमें क्या करना होगा, 400 रुपीज अपनी पासबुक में हमें ऐड करना होगा। तो लिखेंगे, बैंक हैज रॉन्गली डेबिटेड, और कितने अमाउंट 400 रुपीज एड वाले कॉलम में। नाउ द लास्ट वन इज, बैंक अलाउड इंटरेस्ट 500 एंड चार्ज 120 टुवर्ड्स द एक्सपेंसेस फॉर कलेक्शन चार्जेस ऑफ आउटस्टेशन चेक। यानी बैंक ने दो ट्रांजेक्शन किए, एक तो हमारे अकाउंट में से 500 रुपीज उसने हमको डिपॉजिट किए इंटरेस्ट के, और 120 कट किए। तो पहले देखिए, 500 रुपीज डिपॉजिट किए तो बैंक में बैलेंस कितना हो जाएगा 10,500 रुपीज। हमें इंफॉर्मेशन है नहीं, हम तो ये एज्यूम कर रहे हैं कि कैशबुक में 10,000 रुपीज है, जबकि बैंक में हो चुके हैं 10,500। तो पासबुक का बैलेंस कैशबुक के इक्वल लाने के लिए क्या करना होगा, 500 रुपीज हमें अपनी बुक में से माइनस करनी होगी। यहां लिखेंगे, पहले तो हम बैंक अलाउ इंटरेस्ट, बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ की, और 500 रुपीज माइनस वाले कॉलम, और 120 रुपए बैंक ने बैंक चार्जेस के कट कर लिए। जब बैंक कट करेगी हमारे अकाउंट में से अमाउंट, तो बैलेंस कितना हो जाएगा, बैंक में बैलेंस हो जाएगा 9,880 रुपीज। हमें इंफॉर्मेशन है नहीं, हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि बैंक में अभी भी 10,000 रुपीज है, और एक्चुअल बैंक में हो चुके हैं 9,880। तो बैंक का बैलेंस हमारी कैश बुक के इक्वल लाने के लिए हमें 120 प्लस करना होगा। तो यहां लिखेंगे हम, बैंक डेबिटेड बैंक चार्जेस और 120 रुपीज एड वाले कॉलम। अब टोटल लगाएंगे तो प्लस वाले कॉलम का टोटल देखिए आप, ये आएगा 3,920 रुपीज, और माइनस वाले कॉलम का टोटल आएगा 4,400 रुपीज। अब देखिए, माइनस प्लस वाले कॉलम का टोटल कम है कितना 480, तो ये देखकर हम टोटल को इक्वल कर देंगे 4,400। अब देखिए, प्लस वाले कॉलम में बैलेंस था, यानी पॉजिटिव बैलेंस था, वहां पर ही कमी आ रही है, मींस अब हमारा बैलेंस नेगेटिव हो गया है। तो हम क्या करेंगे, पहले था क्रेडिट बैलेंस, अब होना चाहिए था डेबिट बैलेंस, लेकिन डेबिट बैलेंस नहीं होगा, क्रेडिट भी रहेगा, क्योंकि कमी किसमें है, प्लस वाले में। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश। क्लियर स्टूडेंट्स? One more illustration is there, illustration number 13. Prepare the bank reconciliation statement on 31st January 2010. Balance as per passbook 1020. Balance means positive balance, means credit balance of passbook. तो आप BRS में देख सकते हैं, credit balance as per passbook और positive यानी plus वाले column में 1020 rupees. Some differences were there. A check amounting 2300 paid into bank was returned dishonored and no intimation was received bank फ्रॉम बैंक टिल जनवरी। यानी हमने कोई 2300 का चेक बैंक में डिपॉजिट किया था और वो डिसऑनर हो गया, मीन्स कैंसिल हो गया टेक्निकल बेस पर। तो जब हमने चेक बैंक में डिपॉजिट किया तो हमने अपनी कैश बुक में अमाउंट बढ़ा लिया कि बैंक में अमाउंट बढ़ गया 2300 से, लेकिन जब वो चेक डिसऑनर हो गया मतलब बैंक में वो अमाउंट इंक्रीज नहीं हुआ, बैंक में कम बैलेंस है, कैश बुक में ज़्यादा हो गया। तो हमें पासबुक का बैलेंस कैश बुक के इक्वल लाने के लिए अपने पासबुक में अमाउंट ऐड करना होगा। तो डिपॉजिटेड चेक डिसऑनर्ड बट नो इंटीमेशन रिसीव्ड 2300 प्लस वाले कॉलम में। क्लियर? अब नेक्स्ट देखेंगे हम डिफरेंस। बैंक इंस्ट्रक्टेड टू इश्यू ए ड्राफ्ट 4500 टू सप्लायर एंड नो एंट्री इज पास्ड फॉर द बैंक कमीशन ऑफ 80 इन द कैश बुक। मीन्स बैंक से हमने एक ड्राफ्ट बनवाया 4,500 रुपीज़ का, और बैंक ने उस ड्राफ्ट के बनाने के 80 रुपीज़ कमीशन भी लिए, पर हम उस कमीशन की एंट्री करना भूल गए।
यानी हमने अपनी कैश बुक में से तो माइनस किया 4,500, पर बैंक में से माइनस हुआ 4,580 कमीशन लगाकर भी। तो यानी बैंक में अमाउंट कम हो गया और कैश बुक में थोड़ा 80 रुपीज ज्यादा है, तो हमें कैश बुक के इक्वल लाने के लिए पासबुक के बैलेंस में 80 रुपीज एड करने होंगे। तो कमीशन ऑन ड्राफ्ट चार्ज बाय बैंक 80 रुपीज प्लस वाले कॉलम में। क्लियर। नेक्स्ट वन इज चेक वर इश्यूड ऑन जनवरी फॉर 15,500, आउट ऑफ दिस 2,800 का एक चेक फरवरी 2nd में प्रेजेंट हुआ, 1,100 रुपीज का प्रेजेंट हुआ ही नहीं। तो देखिए दो चेक हैं 2,800 के, ये तो प्रेजेंट हुआ है फरवरी में जबकि हम बना रहे हैं जनवरी में, तो मतलब ये प्रेजेंट नहीं हुआ, और 1,100 का तो ये चेक प्रेजेंट हुआ ही नहीं, तो मतलब 3,900 के चेक प्रेजेंट नहीं हुए। जब हमने चेक इशू किया तो हमने तो अपने यहाँ ये माइनस कर लिया होगा, लेकिन बैंक से ये 3,900 माइनस नहीं हुए हैं, यानी बैंक में अमाउंट ज़्यादा है और कैश बुक में कम हो गया है। तो पासबुक का बैलेंस कैश बुक के इक्वल लाने के लिए हमें 3,900 माइनस करने होंगे। देखिए चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड 2,800 और 1,100, ये दोनों हमने माइनस कर रखे हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन इज बैंक हैज गिवन रॉन्ग डेबिट ऑफ 400। डेबिट मीन्स कट कर लेना, बैंक ने गलती से 400 रुपये हमारे अकाउंट से कट कर लिए, गलती से ही किए, लेकिन बैंक में बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया। बैंक में बैलेंस कम हो गया लेकिन हमने अपनी कैश बुक में बैलेंस कम नहीं किया, यानी बैंक में कम हो चुका है, कैश बुक में ज़्यादा है। तो पासबुक का बैलेंस कैश बुक के इक्वल लाने के लिए हमें अपने पासबुक में अमाउंट ऐड करना होगा। तो देखिए रॉन्ग डेबिट गिवन बाय द बैंक 400 रुपीज प्लस वाले कॉलम में। क्लियर। एंड नाउ द लास्ट वन, बैंक अलाउड इंटरेस्ट 500 एंड चार्ज 120 टूवर्ड्स द एक्सपेंस ऑफ कलेक्शन। यानी बैंक ने 500 रुपीज हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए, अकाउंट में डिपॉजिट किए तो मीन्स बैंक का बैलेंस बढ़ गया, बढ़ गया, लेकिन हमने अपनी कैश बुक में नहीं बढ़ाया, यानी बैंक में ज़्यादा है कैश बुक में कम है। तो बैंक का बैलेंस कैश बुक के इक्वल लाने के लिए हमें 500 रुपीज अपनी पासबुक में माइनस करने पड़ेंगे। तो बैंक अलाउड इंटरेस्ट 500 रुपीज माइनस वाले कॉलम में लिखा हुआ है, और 120 ये जो हैं ये अकाउंट से कट किए हैं, तो बैंक का बैलेंस कम हो गया, कैश बुक में हमने कम किया नहीं, यानी बैंक का बैलेंस कम है और कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा है। तो हमें अपना ये बैलेंस कम कैश बुक के इक्वल लाने के लिए पासबुक में इसको ऐड करना होगा। तो बैंक चार्जेस 120 रुपीज प्लस वाले कॉलम में। अब देखिए, अब प्लस वाले कॉलम का आप टोटल लगाएंगे तो ये होगा 3,920, माइनस वाले कॉलम का टोटल लगाएंगे 4,400, यानी माइनस वाली साइड ज़्यादा है और प्लस वाली साइड कम है, कितने से 480 लिख के टोटल हम दोनों साइड का इक्वल कर देंगे। अब देखिए पॉजिटिव बैलेंस पहले था शुरुआत में, लेकिन अब यहाँ पे डेफिशिएंसी है, यानी ओवरड्राफ्ट पहुँच गया। तो पहले हमने क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक लिखा था, अब हम ओवरड्राफ्ट यानी क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक लिखेंगे। वेलकम स्टूडेंट्स, लेट्स टेक वन लास्ट इलस्ट्रेशन ऑफ BRS, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 14। वी हैव बैलेंस एज पर पासबुक 6,000। बैलेंस मींस पॉजिटिव बैलेंस, मींस क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, और पॉजिटिव बैलेंस है तो 6,000 प्लस वाले कॉलम। नाउ सम डिफरेंसेस वर देयर, बैंक रिटायर्ड ए बीपी फॉर ₹1,000 अंडर ए रिबेट ऑफ 30, बट द फुल अमाउंट ऑफ बिल वॉज क्रेडिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश फ्लो। रिटायर मीन्स पेमेंट करना। सपोज कीजिए 10,000 का हमारे यहां बैलेंस था, एक बिल पेबल था 1,000 रुपीज का, लेकिन बैंक ने पेमेंट किया इसका 30 रुपए डिस्काउंट कट करके, यानी बैंक ने कम किए अपने अकाउंट में से 970, हमारे अकाउंट में से 1,000 का पेमेंट कर रहा है, लेकिन 30 रुपए के डिस्काउंट कट करने के बाद यानी 970, यानी हमारे बैंक में बैलेंस है 9,030 रुपीज। लेकिन हमने क्या किया, हमें पता नहीं चला कि डिस्काउंट के लिए हमने पूरे 1,000 कम कर लिया, यानी बैंक में हमने अपनी कैश बुक का बैलेंस कर लिया 9,000, जबकि एक्चुअल बैंक में बैलेंस कितना है 9,030। तो बैंक का बैलेंस कैश बुक के इक्वल लाने के लिए हमें क्या करना होगा, 30 रुपीज अपने अकाउंट में से माइनस करने होंगे। तो यहां लिखेंगे रिटायर्ड बीपी ऑन रिबेट बट नो एंट्री इन कैश बुक,
और 30 रुपीज माइनस वाले कॉलम। क्लियर। नेक्स्ट वन इज ए बिल ऑफ 2500 वाज डिस्काउंटेड विद द बैंक इन इज रिकॉर्डेड इन कैश बुक विदाउट द रिकॉर्डिंग ऑफ डिस्काउंट चार्जेस ऑफ 200। यानी हमने कोई 2000 रुपीज का बीआर बैंक से इन कैश कराया, मतलब 2000 का बीआर का हमने बैंक से बोला कि आप हमें 200 रुपए से कम ही दे दो, यानी आप हमें 1800 रुपए ही दे दो। बैंक ने आपको दे दिए, बैंक ने आपको 1800 रुपए दे दिए, तो बैंक में बैलेंस कितना हो गया? 11,800 रुपीज। 2500 का था, 2500 का मतलब 2300 दिए, 2300 दिए तो बैंक में बैलेंस कितना हो गया? 12,300। पर हम बाय मिस्टेक पूरे 2000 रुपीज शो कर गए, यानी हमने दिखा दिया कि हमारे अकाउंट में आए 2500 रुपीज, यानी हमने अपनी कैश बुक में बैलेंस कर दिया 12,500, जबकि एक्चुअल बैंक में बैलेंस है 12,300। तो बैंक का बैलेंस कैश बुक के इक्वल लाने के लिए हमें क्या करना होगा? 200 अपनी पासबुक में हमें ऐड करने होंगे। तो यहां लिखेंगे डिस्काउंट ऑन बीआर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश बुक में हम डिस्काउंट का अमाउंट लिखना भूल गए, 200 रुपीज। नाउ द नेक्स्ट वन इज फोर्थ, चेक अमाउंटिंग 5,600 वर पेड इनटू बैंक ऑन मार्च 20, बट चेक फॉर 1,500 हैज बीन क्रेडिटेड बाय बैंक ऑन अप्रैल 3। हमने कुछ चेक बैंक में डिपॉजिट किए थे इन द मंथ ऑफ मार्च, लेकिन उसमें से 1500 रुपए के चेक क्लियर हुए अप्रैल वाले मंथ में जाकर। सपोज हमारे बैंक में बैलेंस था 10,000, हमने चेक डिपॉजिट किए 5,600 पे, तो हम तो ये अज्यूम करेंगे कि बैंक में हो गए 15,600, लेकिन उसमें से एक चेक 1500 रुपीज का, ये कब क्लियर हुआ? अप्रैल 3 को, और हम बना रहे हैं इसे 31 मार्च को, यानी ये चेक मार्च के मंथ में क्लियर नहीं हुआ था। तो 5,600 में 1500 का अमाउंट नहीं आया, तो कितने का आया? यानी हमारे बैंक में एक्चुअल अमाउंट आया 4,100 का, यानी बैंक में बैलेंस है 14,100 और हमने कैश बुक में कर लिया 15,600। तो बैंक का बैलेंस कैश बुक के इक्वल लाने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें अपनी बुक में 1500 रुपीज एड करने होंगे। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम चेक डिपोजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड और 1500 रुपीज एड या प्लस वाले कॉलम। नाउ द नेक्स्ट वन इज फिफ्थ पॉइंट, पासबुक शोज ए क्रेडिट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड 500 एंड डेबिटेड 100 टुवर्ड्स द बैंक चार्जेस। यानी पासबुक में एंट्री हो रखी है कि बैंक ने हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट के 500 रुपीज डिपॉजिट कर दिए, क्रेडिट कर दिए। तो यानी जब बैंक 500 रुपीज हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करेगी, बैंक में बैलेंस क्या हो जाएगा? 10,500। हमें इंफॉर्मेशन है नहीं, हमने कैश बुक में 10,000 ही मेंटेन कर रखे हैं। तो बैंक का बैलेंस कैश बुक के इक्वल लाने के लिए क्या करना होगा? 500 रुपीज अपनी पासबुक में माइनस करनी होगी। यहां लिखेंगे हम बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और 500 रुपीज माइनस वाले कॉलम, और 100 रुपीज बैंक चार्जेस के कट भी किए, डेबिट भी किए हैं। डेबिट मींस कट करना। जब बैंक हमारे अकाउंट में से 100 रुपीज कट करेगी, बैंक में बैलेंस हो जाएगा 9,900 रुपीज, और एक्चुअल हमने कैश बुक में पता नहीं है इसलिए 10,000 ही मेंटेन कर रखा है, और बैंक में हो चुका है 9,900। तो बैंक का बैलेंस कैश बुक के इक्वल लाने के लिए क्या करना होगा? 100 रुपीज अपनी पासबुक में ऐड करना होगा। तो यहां लिखेंगे बैंक डेबिटेड बैंक चार्जेस, बैंक ने बैंक चार्जेस कट कर लिए रुपीज 100। नाउ द लास्ट वन इज बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 600 इज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक ने 600 रुपीज हमारे अकाउंट में से इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर दिया। यानी जब बैंक हमारे अकाउंट में से 600 रुपीज प्रीमियम पे करेगी इंश्योरेंस का एक्सपेंस, तो बैंक में बैलेंस कम होकर 9,400 हो जाएगा। लेकिन हमें इस बात की इंफॉर्मेशन थी नहीं, हम तो ये अज्यूम कर रहे हैं कि बैंक में अभी भी 10,000 है, जबकि रियल बैंक में हो चुके हैं 9,400 रुपीज।
तो अपनी बैंक का बैलेंस कैश बुक पे इक्वल लाने के लिए क्या करना होगा, 600 रुपीज पासबुक में ऐड करने होंगे। तो यहां लिखेंगे बैंक पे इंश्योरेंस प्रीमियम, और यहां पे क्या करेंगे हम 600 रुपीज एड वाले को। अब हम टोटल लगाएंगे इसका, तो देखिए प्लस वाले कॉलम का टोटल आ रहा है 7,800 स्टूडेंट्स। मैंने लास्ट वाला जो है ट्रांजेक्शन सही से देखा नहीं, आप देखिए वहां क्वेश्चन ये कह रहा है कि बैंक पे इंश्योरेंस प्रीमियम 600 इज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक, यानी बैंक ने हमारे अकाउंट में से 600 का इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, यानी बैंक में बैलेंस हो गया 9,400, पर हमने अपनी कैश बुक में दो बार एंट्री कर ली इसकी, यानी कैश बुक में हमने माइनस किए 600 की जगह 1200, यानी हमारी कैश बुक में बैलेंस है 8,800 का और रियल बैंक में बैलेंस है 9,400 रुपीज का। तो बैंक का बैलेंस कैश बुक पे इक्वल लाने के लिए हमें क्या करना होगा, अपने कैश बुक में 600 रुपीज माइनस करने होंगे, प्लस वाले कॉलम में नहीं आएगा, माइनस वाले कॉलम में आएगा। अब देखिए आप टोटल लगाइए तो ये हो रहा है 6,200, 7,700, 7,800 और माइनस वाले कॉलम का हो रहा है 1,130। तो माइनस वाले कॉलम का टोटल कम है और ये कितना कम है 6,670, और इसको लिखकर हम टोटल को इक्वल कर देंगे 7,800। ऊपर हमने क्रेडिट बैलेंस लिखा था, यहां लिखेंगे हम डेबिट बैलेंस एज पर कैश। सो दीज आर द इलस्ट्रेशंस रिलेटेड टू द बीआरएस विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक। अब जो फर्दर इसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक है अमेंडेड कैश बुक या प्रिपरेशन ऑफ करेक्ट कैश बुक, वो इस ईयर सीबीएसई ने हमारे सिलेबस से हटा दिया, तो फिलहाल हम उस पार्ट को नहीं करेंगे, ये चैप्टर आपका यहाँ पर आकर ही फिनिश हो जाएगा। अब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू। वन लास्ट क्वेश्चन इज देयर, इलस्ट्रेशन नंबर 14। बीआरएस प्रिपेयर करना है हमें अमित एंड संस का 31 मार्च को। बैलेंस एज पर पासबुक 6,000, बैलेंस मीन्स पॉजिटिव बैलेंस मीन्स क्रेडिट बैलेंस। तो पासबुक में देखिए आप क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक और 6,000 प्लस वाले कॉलम में लिखा हुआ है। सम डिफरेंसेस वर देयर, बैंक रिटायर्ड ए बीपी ऑफ 1,000 अंडर ए रिबेट ऑफ 930 रुपीज, बट द फुल अमाउंट बिल ऑफ वॉज क्रेडिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। बैंक ने हमारे अकाउंट में से 1,000 रुपीज के बीपी का पेमेंट 30 रुपए की डिस्काउंट में किया, यानी बैंक ने पेमेंट किया 970, लेकिन हमने अपनी कैश बुक में पूरे 1,000 का पेमेंट दिखा दिया, यानी हमारी कैश बुक में बैलेंस 1,000 से कम हो गया, बैंक में कम हुआ 970 से। तो बैंक में बैलेंस ज़्यादा है, कैश बुक में कम है, तो बैंक का बैलेंस कैश बुक ला के इक्वल लाने के लिए 30 रुपीज़ हमें अपनी जो कैश बुक है उसमें पासबुक है उसमें माइनस करने होंगे। तो रिबेट ऑफ बीपी ऑफ कैश बुक 30 रुपीज़ माइनस वाले कॉलम में, ठीक है, क्योंकि बैंक में बैलेंस ज़्यादा है और कैश बुक में कम हो चुका है। नेक्स्ट है, एक बिल था 2,500 का जो हमने डिस्काउंट कराया था बैंक से, और बैंक ने उसका अमाउंट हमारे अकाउंट में डाला 2,500 रुपीज़ कट करके, यानी हमारे अकाउंट में पैसा आया 2,300, लेकिन हमने पूरा अमाउंट दिखा दिया 2,500, यानी कैश बुक में अब बैलेंस ज़्यादा हो गया, पासबुक में कम है, यानी बैंक में 2,300 रुपये ही बढ़े हैं। तो बैंक का बैलेंस कैश बुक के इक्वल लाने के लिए हमें अपने यहाँ 200 रुपीज ऐड करने होंगे। तो डिस्काउंट बिल डिस्काउंटेड फॉर नॉट रिकॉर्ड इन द कैश बुक 200 रुपीज प्लस वाले कॉलम में, क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन इज ए चेक अमाउंटिंग 5,600 पेड इन टू बैंक, बट ए चेक फॉर 1,500 क्रेडिटेड बाय बैंक ऑन 3rd अप्रैल। हम प्रिपेयर कर रहे हैं 31 मार्च को, हमने जब 5,600 रुपीज का चेक बैंक में डिपॉजिट किया होगा तो हमने अपने अमाउंट बढ़ा लिया होगा, लेकिन इसमें 1,500 रुपीज का चेक अप्रैल में हुआ, मार्च में नहीं हुआ जब बीआरएस प्रिपेयर कर रहे हैं, यानी बैंक हमने अपनी कैश बुक में बढ़ाए 5,600 जबकि बैंक में बढ़े केवल 1,500, यानी बैंक में अमाउंट कम बढ़ा, तो बैंक का अमाउंट और कैश बुक में हमने ज़्यादा बढ़ा लिया, तो बैंक का अमाउंट कैश बुक के इक्वल लाने के लिए हमें 40 जो
अमाउंट है 1500 रुपीज़, वो अपने अकाउंट में ऐड करना होगा. द चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर 1500 रुपीज़ ऐड वाले कॉलम में. ऐसा इसलिए क्योंकि हमने क्या किया, 1500 रुपीज़ ये फालतू में अपनी कैश बुक में बढ़ा रखे हैं जबकि एक्चुअल बैंक में नहीं बढ़े हैं. तो यानी यहाँ पे अमाउंट केवल कितना बढ़ा है, अमाउंट बढ़ा है 4100 कैश बुक में और हमने 56 बढ़ा लिया. तो यानी 1500 जो फालतू बढ़े हुए हैं वो पासबुक में भी ऐड करनी है. नेक्स्ट वन है कि पासबुक में एक क्रेडिट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 500 रुपये, यानी बैंक ने हमारे अकाउंट में 500 रुपये इंटरेस्ट के डिपॉजिट कर दिए. डिपॉजिट कर दिए तो बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो गया, कैश बुक में बढ़ा नहीं. तो बैंक का बैलेंस कैश बुक के इक्वल लाने के लिए हमें अपने बैलेंस में 500 रुपये माइनस करने होंगे. तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 500 रुपये माइनस वाले कॉलम में, क्लियर. और एक इसी में दे रखा है कि 100 रुपये कट भी किए हैं, तो 100 रुपये कट करेगी बैंक चार्जेस के, तो बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा. बैंक में हमने कैश बुक में बैलेंस कम हो गया, बैंक में कम नहीं हुआ. तो बैंक का बैलेंस कैश बुक के इक्वल लाने के लिए हमें ये अमाउंट ऐड करना होगा 100 रुपीज़ ऐड वाले कॉलम में, प्लस वाले कॉलम में. और लास्ट है, बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम 600 रुपये पे किया पर हम अपनी कैश बुक में दो बार एंट्री कर गए, यानी बैंक से कम हुआ 600 रुपये लेकिन हमने कैश बुक में कम कर लिया 1200 रुपये. यानी बैंक में अमाउंट ज़्यादा है अभी भी बैलेंस और कैश बुक में कम है, तो बैंक का बैलेंस कैश बुक के इक्वल लाने के लिए हमें अपने यहाँ भी 600 रुपये माइनस करने होंगे, क्लियर. अब देखिए, प्लस वाले कॉलम का टोटल लगाएंगे तो 7800 होगा, माइनस वाले कॉलम का टोटल लगाएंगे 1130 होगा. माइनस वाले कॉलम का टोटल कम है कितने से, 6670 से, और यही हम लिखकर टोटल इक्वल कर देंगे 7800. और जो बैलेंस आया ऊपर हमने लिखा था क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, अब हम लिखेंगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, 6670 रुपीज़. अब जो फर्दर इसमें चैप्टर कंसेप्ट है या टॉपिक है अमेंडेड कैश बुक, अब वो हमारे सिलेबस का पार्ट है नहीं, इसलिए वो आपको अब अपने क्वेश्चंस में इंक्लूड नहीं करना है. थैंक यू स्टूडेंट्स.